इस वक्त की मैं बात करूं तो सफीदो विधानसभा के टिट्टो खेड़ी गांव में मौजूद हूं। आप देख पाएंगे किसान हैं, गांव के ही लोग हैं, भैंसों को नहला रहे हैं और यहां पर जो है अपनी भैंसों के इंतज़ार में गांव के ही लोग जो है बैठे हुए हैं और चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस बार जो है चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर्स हैं वो मन बना रहा है। आ जाइए सीधा बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते जी अंकल जी। नमस्कार जी। ठीक है? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइएगा, भैंसों को लेकर आए हैं यहाँ पर आप? जी अपनी भैंस है। तो कैसा है इस बार चुनाव को लेकर मन? इस बार चुनाव का मन है ना जी, जो टिकट लेकर होगा मन बना लेंगे। ठीक है, है? तो कोई पार्टी कौन सी सही नजर आती है? कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, कोई और? जी अरे कैंडिडेट बढ़िया आएगा तो हम बीजेपी को देंगे समर्थन। कैंडिडेट अच्छा आता है तो? अच्छा। कोई चेहरा या कोई नाम कुछ ऐसा सुनने में आया कि ये कैंडिडेट अच्छा है उसके बाद फैसला होगा? नहीं, कोई चेहरा या फिर कोई नाम ऐसा सुनने में आया कि बीजेपी से इसका टिकट होता है तो भाई साहब ये अच्छा कैंडिडेट है? देखो कोई भी आगे ले गए, हम फैसला बाद में करेंगे, है ना जी। और सुभाष गंगोली जी विधायक रहे, कभी गांव में आए कभी? सुभाष गंगोली है ना, डोको सिलेंडरा में बाज है, कुछ नहीं दिया नहीं लिया अब तो कुछ नहीं। कभी गांव में वैसे आए मिलने जुलने? मैं तो आते हैं पर सुबह आ रहा था वोट मांगने के लिए। वोट मांगने नहीं, मैं काम की पूछ रहा हूँ, कभी गांव में दुख में सुख में या फिर कुछ काम? बोले ने के करवाया है? चौपाल के लिए पैसे दे गया है। कितने दे गया है? अच्छा फिर ये जो गली बनने लग रही है। अच्छा एक जी 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 क्या बता रहे हैं, क्या कुछ काम करवाए? काम करवा जनरल चौपाल के लिए तो पैसा मंजूर करवा है, ढाई और पौने तीन लाख के आसपास। ढाई से तीन लाख के आसपास? हाँ हाँ जी। काम अधूरा रह रहा था उसका, वो पूरा होने लग रहा है। तो कब 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 मतलब मंजूर करके गए थे ये पैसे? ये इलेक्शन से पहले की बात है। लगभग कितना समय हो गया? समय हो गया 6 महीने। 6 महीने अब लास्ट में आ गए? हाँ हाँ मतलब लास्ट में। तो फिर पैसे कुछ आए फिर गाँव में जैसे आप बता रहे हैं? पैसे आ रहे हैं, लग रहे हैं। पूरे पैसे आ गए? हाँ लग रहे हैं। तो कैसा है फिर इस बार चुनाव को लेकर मन आप लोगों का? चुनाव के मैं तो समर्थक हूँ जसवीर देसवाल का। ठीक है, ये कौन सी पार्टी में? ये पार्टी तो इसकी क्या नाम है, जेजेपी, बीजेपी में, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी में। अच्छा उनके समर्थक हैं? उसके समर्थक। तो फिर क्या चाहते हैं कि उनका टिकट होना चाहिए, क्या टिकट की मांग है उनकी? हाँ टिकट की मांग भी है, वैसे टिकट ना मिले तो वैसे भी खड़े होंगे वह। मतलब टिकट यदि ना भी होता है बीजेपी से तो आजाद भी चुनाव लड़ सकते हैं? आजाद भी लड़ सकते हैं। तो फिर उनके साथ जाने का मन है? अपना खुद रसूख है, मतलब खुद का रुतबा है, खुद के जो वोटर्स हैं वो खुद का पर्सनली वोटर्स है। हाँ पर्सनली, ये नहीं है कि पार्टी का कुछ ऐसा। पर्सनली वोटर है ना, वो चाहता है भाई आप टिकट लेकर आओ, वरना टिकट नहीं मिलती तो वैसे खड़े हो, मतलब आजाद लड़ेगा। हाँ तो फिर कैसे क्या है फिर मामला, फिर आजाद भी खड़ा होता है तो क्या रहेगा फिर चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल पीछे भी एमएलए बने हुए हैं निर्दलीय, और अब की बार भी मतलब उसका अच्छा वो है परफॉर्मेंस है, मतलब नाम है लोगों में, चर्चाएं हैं कि इस बार विधायक बन सकते हैं? आप बिल्कुल बन सकते हैं। तो बीजेपी से किसी और का नाम सुनने में आया कहीं कि इनका टिकट हो सकता है शायद कोई ये बढ़िया? पैनल में तो फिलहाल ही नहीं नाम आगे पैनल में तो। जी 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 जी, मतलब पहला नंबर इनको दे रहे हैं? इनको दे रहे हैं। तो फिर है मन इस बार जिताने का? बिल्कुल है। और विकास गांव में क्या कुछ चाहते हैं इसके अलावा, जैसे आपने बताया कि जो अधूरे काम है, जिस तरह हमारा जोड़ है ये सामने है, मतलब कच्चा है, इसको सोच रहे हैं वो पक्का हो जाए, चार दीवारी हो जाए। और कुछ एक गलियों के काम हैं, नालियों के काम हैं, और हमारा एक ये जो अस्पताल है सामने पशुओं का जी, इसके बारे में सोच रहे हैं कोई, मतलब अधूरा काम पड़ा है कहीं ना कहीं के गाँव के अंदर विकास का जो है पहिया चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। जी 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 जी, युवा साथी हैं, क्या नाम है भाई का? नहीं बोलना नहीं चाहते बोलना, ये भाई साहब तो मना ही कर गए। हाँ जी अंकल जी, ये तो अपनी पर्सनल बात बता दी, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। कच्चा नाम की कोई चीज नहीं, मैं कांग्रेस में बहुत धक्के खा लिए है, पहले कुछ नहीं मिला यार। पहले कांग्रेस में मतलब रहते थे कांग्रेस के लोग? बीजेपी के साथ हूँ, है नहीं कोई भी कैंडिडेट आओ मैं उनके साथ हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा चलिए बीजेपी की मान लेते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, तो क्या बीजेपी में खासियत नजर आती है जो इनके साथ मैंने ये आई है? बिल्कुल सही काम हो रहा है, टाइम पर सही काम आ रहा है, 370 भी उन्होंने तोड़ी है, है नहीं वो खाम खाई का पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा था, वो भी काम ठीक हो रहा है, और बाकी काम जो भी है ना अपने सही तरीके से कर रही है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे हैं 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी। ऐसा है, हमने नहीं चाहता 1 रुपया भी उसका नहीं चाहिए। झूठ बोला है, घाट तोला है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार उसका। अगर कितने कांड करवाए, गुहाड़ा कांड करवाए, मास्टर पिटवाए, करोत्तम वकील पिटवाए, मिर्चपुर कांड, वो उड़ा ले क्या नहीं किया है नहीं सब ने, इसने सबसे कड़ा करप्शन उड़ा ले करा है। अच्छा, आजाद सिंह मेरा नाम है, टिट्टो खेड़ी मेरा गांव है। अरे होगा मेरी ख्याल, ये तो अंकल जी तो भाई साहब बीजेपी के पक्के वाले समर्थक हैं, पक्के वाले जी। नमस्ते जी ताऊ जी। मैं तो कुछ नहीं कंधा बेटा, कुछ नहीं कंधे ना, अकल खराब हो रही मेरी। अच्छा, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा तो आ गया। अच्छा एक बात बताइए, उम्र कितनी हो गई ताऊ जी? 70 तो ऊपर हो गई। 70 के ऊपर हो गई। हाँ। देखिए इतने समय आपने देखा, पुराना समय और कोई विधायक भी बनता था, कोई हारता भी था, तो कौन सबसे ज़्यादा पार्टी जो है, कौन सी ऐसी नज़र आई कि कांग्रेस में अच्छा था या फिर बीजेपी जो है ये सही रही? क्योंकि 70 साल का एक्सपीरियंस है ताऊ जी आपके पास। हाँ भाई साहब, तो फिर बकल जवाब दे रही है। मन तो भाई सारे अच्छे लग गए, तू भी अच्छा लग गए। मन तो सारे अच्छे लग गए, सारे अच्छे लग गए। हाँ अच्छा। हाँ सारे अच्छे लग गए, मन बड़े प्यारे लग गए सारे। तू भी मेरा थोड़ा है, तू के कोई दूसरा है। जी जी जी। है तो कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कुछ ना, नहीं नजर आया? ना ना ना, कोई वो नहीं मेरे मन में, कोई मन में नहीं ना। तो हुड्डा जी आए तो 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन भी आ जाएगी भाई? वो तो देखी जाके तो टाइम बताओगा। हमने तो भाई करके खाना है, चाहे भाई भाजपा हो चाहे भाई कांग्रेस आओ। अच्छा पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है? मिल रही है भाई। कितनी? 3 है। हाँ तो कांग्रेस में 6 हो जाएगी भाई? उस चीज का तो के भी रहता पहली। अरे वो भी जाओ भाई ले आगे तो भाई जरूर हो जाएगी, या तो के बात से निकालेंगे मेरे 6,000 मौज हो जाएगी ताऊ जी। मैं तो फिर थार तो बात भी नहीं करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ताऊ की अभी जो है 3 है तो फिर 6 हो जाएगी, तो फिर ताऊ ने कहा बात करनी, आ जाओ इधर भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कैसा है माहौल यहाँ पर चुनाव को लेकर, वही देख लेते। दिखाइएगा, भैंसों को नहला रहे हैं, गांव के ही लोग हैं। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक हैं? बढ़िया। भैंसों को लेकर आए? हाँ जी, और हमारा तो ये काम है। जी, 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 कौन एमएलए बना होगा भाई? जी जी जी, जी। अच्छा क्या है माहौल इस बार चुनाव का, क्या सोच रहे हैं? ये तो अपने भाग्य की बात है, सब अपना भाग्य की बात है, आप अपना भाग्य जमाते हैं, गलत है बात। जी जी। तो नाम या चेहरा कोई सुनने में आया किसी? नहीं अभी कुछ नहीं, कोई पार्टी में कुछ टिकट नहीं मिला, कुछ नहीं अभी, कुछ नहीं अभी, कुछ नहीं। मतलब टिकट पे वेट करेंगे कि टिकट होता है? टिकट होगा, वेट होगा। ऐसा है चेहरा कोई मजबूत नजर आता है? सब एक से हम, जो देखा जाएगा बाद में क्या। अच्छा कांग्रेस सही रहेगी विधायक या फिर बीजेपी? वो कांग्रेस भी बढ़िया है, कांग्रेस भी बढ़िया है और बीजेपी भी बढ़िया है। बुढ़ापा पेंशन में ही 3,000 रुपये का फर्क है, बढ़िया कैसे है? ना, वो तो देखो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वादे तो किए जा रहे हैं। वादे तो इन बीजेपी ने भी क्या 900 करे थे, हो गए जेजेपी के। जेजेपी था तो करे तो थे जी, ये तो वैसी बात है। देखो कोई भी चीज है ये, वैसे जब गवर्नमेंट दे रही है तो हिसाब से दिया जाएगा, ऐसे तो कैसे कहाँ से लाएंगे? जी 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 जी, गलत तो नहीं है बात जी, कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, मतलब ये है कि ये चुनाव के लिए। हाँ बस 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 जी, 3,000 हो गया तो ये भी बहुत है, मतलब इसमें भी खुश है, इसमें भी खुश हैं। और वो ताऊ जी और फालतू तो मिले नहीं, ये छोड़ देनी फिर। जी 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 जी, फिलहाल जी जी बिल्कुल। हाँ नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? राजेश नाम है। राजेश जी क्या है माहौल इस बार चुनाव का? जो हमारे अंकल ने बताया दिया वही है बस। अच्छा हाँ, इसने तो कुछ नहीं बताया, ये सब कुछ बताया दिया, इन्होंने बताया हमारे बड़े हैं जो ये कहेंगे हम तो ये करेंगे। वो तो ठीक है, इसने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। ना लिया जी, भी जो भी कुछ होगा जी पहले बाद में अपने अपने नाम ले देंगे। अच्छा बाद में नाम लेंगे फिर अपने आप। हाँ नमस्कार जी, ठीक है? हाँ ठीक है जी। क्या है जी माहौल इस बार चुनाव का? माहौल तो जी देखो जी, टिकट तो किसी को बंडिया नहीं, ना किसी को मिलिया, माहौल तो फिर आप भी जानो हो भाई, बाद में होगा जो कुछ। तो पार्टी कौन सी सही रहेगी, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस भी ठीक है जी, ये भी ठीक है, हमने तो बड़ा महसली जानी है, ओड़े छोड़नी अपने घरा, इनकी देखभाल करनी और हमने क्या करना है बस। तो दोनों पार्टी सही है? दोनों भी सही बन जाएंगे। 3,000 रुपये का फर्क है बुढ़ापा पेंशन में भी,
फिर और करवा दो जी आप फिर। जी 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 फिलहाल देखिएगा कौन सा गांव है जी? टिट्टो खेड़ी है। इधर आ जाइए जी जी जी, इधर आ जाइए। इनसे भी जो है महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते भाई। ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा चुनाव का क्या माहौल है अभी अब की बार? लुगाइया ना कौन बताओ भाई। वोट तो आपका भी होगा? वोट तो जरा लुवावेंगे उड़े लाया मैं जहाँ ताऊ जी बोलेंगे। हाँ लुगाइया का कोई नहीं। कहीं कहीं ताई जी ऐसा भी होता है ताई कहीं और बटन दबा देती है ताऊ कहीं और। आप पल्ला करया कर दे देवीलाल का ला दे देवीलाल की पार्टी है गई बेचारा का। मतलब पहले के समय याद कर रहे हैं कि भाई ताऊ देवीलाल जी का समय था। हाँ खान सकाए हुए और के करया बताओ इन्ना के करया 3,000 कर दिया फिर अम्बाला में तई महंगाई कर दी। महंगाई हो गई सिलेंडर का तका होया 200 का आया कर लुगाई कर ले काम अपना चला ली थी 1,100 का आवा है बता के लुगाइया का पूछना। हाँ लुगाइया के पूछना जी, भाई जी 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 नमस्ते जी ताई जी। नमस्ते भाई। क्या है जी इस बार चुनाव का माहौल भाई? माहौल तो बालक बच्चे जाने खर्चे बड़ी बड़ी लोग मर्द बड़ी बैठी उनने पूछो। हाँ भाई चर्चा भी नहीं होती घर में? नहीं चर्चा होती हमारे बालक नहीं कर दे घर में बड़का चल रहा नहीं ओड़े माँ बाप जा रहे हैं बस। जी 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 भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ताई जी हैं इनसे भी बातचीत कर लेते। नमस्ते जी ताई जी। नमस्ते भाई। ठीक है ताई जी? उम्र कितनी हो गई ताई जी? बतेरी हो गई। फिर भी कोई अंदाजा कुछ 100 के आसपास है? हाँ 100 तो खड़ा हूँ। 100 नहीं अभी? अच्छा क्या है ताई जी इस बार चुनाव का माहौल? परिवार में चर्चाएं होती हैं? कोई चर्चा नहीं अभी तक। चर्चा ही नहीं है? चलिए फिलहाल देखिएगा यहाँ पर गांव में आए थे और बातचीत की कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर वोटर्स हैं जो अपना मन बना रहे हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। अश्विनी कुमार जय हिंद।